Hello everybody, welcome to next episode of hashtag Cherish Toppers. So today we'll talk about science, right? जैसे कि आप सब लोग को पता है कि science के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है class 10 CBSE में पढ़ने के लिए. That is physics, chemistry, biology. Physics के अंदर formulas होते हैं, biology के अंदर काफ़ी diagrams होते हैं, chemistry के अंदर reactions होती हैं, and also कभी कभी जो exam में question होते हैं वो काफ़ी tricky बन के आ जाते हैं science में से. So in this situation it becomes very important कि आप लोग के पास science के लिए एक बहुत अच्छी strategy हो. And today we have Abhishek Saharia with us. Abhishek scored 93 marks in science and basically agar CBSE boards 2020 की बात करें तो सब बच्चों ने ये एक्सपीरियंस किया था कि उनके साइंस में जो मार्क्स हैं वो काफ़ी कम आए हैं, राइट? सो लेट अस नो फ्रॉम अभिषेक कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके 90 से अबव साइंस में मार्क्स आ गए. बिकॉज आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन भी करी थी साइंस के लिए बट फिर भी उनके 90 से अबव मार्क्स नहीं आ पाए. सो लेट अस जस्ट नो फ्रॉम अभिषेक कि उन्होंने ऐसा क्या करा था कि ही क्रॉस्ड द 90 मार्क्स, यू नो वी कैन से दैट ही क्रॉस्ड द 90 मार्क्स बाउंड्री. ठीक है, तो लेट अस जस्ट नो फ्रॉम हिम कि उन्होंने कौन से यूट्यूब चैनल्स रेफर करे थे, कौन से बुक्स रेफर करे थे, वो कैसे साइंस को पढ़ते थे, क्या क्या प्रैक्टिस करते थे. लेट जस्ट नो एवरी थिंग फ्रॉम अभिषेक. साइंस के लिए मैंने ऑब्वियसली एनसीईआरटी मेनी है. उसके साथ साइंस में बहुत सारे हॉट्स क्वेश्चन आते थे और लाइक हाई लेवल क्वेश्चन के लिए मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद पोस्टवल पब्लिकेशन की बुक आती है उससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे. और उसके बाद बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं साइंस में, मैंने उन्हें भी रेफर किया था, सच एज लाइक वेदांतू, एडी मंत्रा. सो उनसे भी मैंने बहुत हेल्प ली, लाइक उनके जो टेस्ट सीरीज होते थे उनको भी मैंने प्रैक्टिस किया था. और अलॉन्ग विद डैट एडूकार्ट का एक सैम्पल पेपर होता था उसको भी मैंने लाइक सॉल्व किया था. साइंस में लाइक मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन भी की थी तो उसमें लाइक हाई लेवल क्वेश्चन बहुत आते थे और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते थे. और अगर बात करें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो सेपरेटली, तो केमिस्ट्री में मैंने रिएक्शंस अच्छे से लाइक सॉल्व किए थे, मतलब उनको लिख लिख के देखा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को फिर बैलेंस करके. और बायो में मैंने डायग्राम्स को. नाउ लेट मी जस्ट समराइज़ अभिषेक साइंस स्ट्रैटेजी. फर्स्टली अभिषेक ने बोला कि वो बेसिक फोकस जो है साइंस में भी एनसीईआरटी पे ही रखते थे, ही यूज़ टू डू फुल एनसीईआरटी. उसके अलावा अभिषेक ने बोला कि क्योंकि साइंस में हॉट क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते थे तो ही यूज़ टू रेफर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड ओसवाल बुक फॉर दैट, राइट? ये जो मैं आप लोग को बुक्स का नाम बता रही हूँ, प्लीज़ मेक श्योर टू राइट इट. इन बुक्स का नाम आप कहीं लिख के रख लीजिए क्योंकि ये बुक्स आप भी रेफ़र कर सकते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट अभिषेक ने यह भी बताया कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स करने के लिए एड्यूकार्ट की बुक यूज़ करते थे. उसके अलावा अभिषेक ने बताया कि वो वेदांतू और एड्यू मंत्रा के यूट्यूब चैनल्स रेफर करते थे साइंस के लिए, राइट? आई थिंक दे बोथ ऑफ देम आर क्वाइट पॉपुलर यूट्यूब चैनल, सो यू कैन रेफर देम एज वेल. उसके अलावा अभिषेक ने यह भी बताया कि वो फिजिक्स में पर्टिकुलरली जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करके देखते थे, केमिस्ट्री में वो रिएक्शंस लिख के देखते थे, राइट? जो मैंने जितनी भी अभी तक चैनल पे साइंस स्ट्रैटेजी वीडियोज़ बनाई हैं मैंने आप लोग को उन सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट्स का एक ही फॉर्मूला होना चाहिए आपके पास कि फिजिक्स में आप लोग न्यूमेरिकल्स जो हैं वो प्रैक्टिस करके देखें, केमिस्ट्री में आप लोग जो रिएक्शंस हैं वो लिख के देखें, प्रॉपर बैलेंस रिएक्शंस अलोंग विद ऑल दी रिएक्टेंट्स एंड दी प्रोडक्ट्स, सारी जो रिएक्शंस है वो अच्छे से लिख के देखें. बिकॉज रीडिंग से आप लोग उसको रीड तो कर लोगे बट वो एग्जाम में फिर याद नहीं आती है, राइट? और एग्जाम में आप लोग को वो रिएक्शंस लिखनी होती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जो रिएक्शंस लिखें उसको ढंग से प्रैक्टिस कर लें, राइट? प्रॉपर बैलेंस करके उसको प्रैक्टिस करके याद कीजिए. उसके अलावा अभिषेक ने यह भी बताया कि अभिषेक बायोलॉजी में डायग्राम्स को भी प्रैक्टिस करते थे. ठीक है, तो अगर आप लोग को साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो दीज थ्री की पॉइंट्स कि फिजिक्स में आप लोग न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, केमिस्ट्री में आप लोग रिएक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, रिएक्शंस को लिख लिख के देखिए. उसके अलावा बायोलॉजी में आप लोग को डायग्राम्स की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो अभिषेक ने ये तीन मेजर पॉइंट्स बताए हैं बुक्स और यूट्यूब चैनल्स के अलावा साइंस में. सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो ऑफ हैशटैग चेरिश टॉपर्स. अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स बिकॉज बहुत मेहनत लगती है ऐसे टाइप के वीडियोज़ बनाने में. तो मैं हर वीडियो में आप लोग को बोलती हूँ कि प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलेगा. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.